हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स चैनल कॉम्बाइंड करंट अफेयर्स। इस चैनल में हम हर रोज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं आज की पहली क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट ऑन इंडस्ट्रीज विंग्स इंडिया वॉज हेल्ड इन चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई। तो एशिया का सबसे बड़ी सिविल एविएशन इवेंट इंडस्ट्री के ऊपर जिसका नामकरण हुआ है विंग्स इंडिया, वो कहाँ पर हाल ही में अनुष्ठित किया गया था, और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। एलोंग विद दिस, हमको याद रखना है कि अभी इंडिया का सिविल एविएशन मिनिस्टर है सुरेश प्रभु, और यहाँ पर एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट जो इंडस्ट्री के ऊपर बनी है विंग्स इंडिया, उसी के बारे में बात की जा रही है। और उसके साथ साथ याद रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट रिवर है योंगसे रिवर, जो कि चाइना में है, और एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है मेकोंग, और एशिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है गोबी डिजर्ट, और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा डिजर्ट। इसके साथ साथ जान लेते हैं कि बेंगलुरु जो शहर है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक का अभी का सीएम है बीएस येदुरप्पा, और अभी बेंगलुरु का गवर्नर है बिजू भाई बाला। और ये कर्नाटक स्टेट 1 नवंबर 1956 में जब स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट बनी थी तब ये कर्नाटक स्टेट बना था, और जब ये स्टेट बनी थी तब इनका नाम था मैसूर। ओके, तो मैसूर और कर्नाटक एक ही स्टेट है। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। द सिविल एविएशन इवेंट इज टू बी हेल्ड इन मार्च 2020 इन विच एयरपोर्ट। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ऑप्शन डी बेगमपेट एयरपोर्ट। तो सिविल एविएशन इवेंट जो कि मार्च 2020 में होने वाली है वो कौन सी एयरपोर्ट में होगा? तो इसका सही आंसर होगा बेगमपेट एयरपोर्ट। तो ये जो नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कोलकाता में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई में है, और बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में है। हैदराबाद वो तेलंगाना की कैपिटल है, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल तेलंगाना ही है। जब 2014 में आंध्र प्रदेश को बाइफर्केटेड करके दो स्टेट बनाया गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो उस समय मैक्सिमम पीरियड 10 साल के लिए हैदराबाद को दोनों स्टेट की कैपिटल की रूप से डिक्लेयर किया गया था। और जो प्रपोजल है कि तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद ही रहेगा, और जो आंध्र प्रदेश है उसका कैपिटल अमरावती सिटी में होगा। तो अभी तेलंगाना का सीएम का नाम है केसीआर और कल्भाकुंतला चंद्रशेखर राव, और अभी तेलंगाना का गवर्नर है तमिलियासाई सुंदरा राजन, और आंध्र प्रदेश का अभी का चीफ मिनिस्टर है जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, और इसी के साथ साथ इस इवेंट में जो कि 2020 में होने वाली है, इसमें एक थीम भी रखा गया है, और इस इवेंट का थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। ओके, तो चलते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड टू द रेसिडेंट्स एट द टाइम ऑफ सेंसस इज डिसाइडेड बाय। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो सेंसस के समय जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा तैयार की जाती है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सेंसस का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, इसलिए वो क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही तैयार होता है। और अभी ये जो सेंसस कमिश्नर है, सेंसस कमिश्नर का नाम है विवेक जोशी, और हमारी होम मिनिस्टर का नाम है अमित शाह, और ये कमिश्नर जो सेंसस कमिश्नर है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही काम करता है। ओके, तो देख लेते हैं ये कौन से मिनिस्ट्री का कौन सा काम है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनका काम है जो देश की एयर स्पेस में जो जो काम होगा उसका कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स ऐसे। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है देश की अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बरकरार रखना,
और एक्सटर्नल अफेयर्स का काम है बाहर की देशों के साथ इंटरनल रिलेशंस कैसे रहेगा वो डिसाइड करना, और HRD और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है टू असर्टेन हाउ द पीपल ऑफ कंट्री विल बी एनरिच्ड बाय एजुकेशन एंड अदर रिलेटेड थिंग्स। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन, द सेंसस 2021 इज टू बी कंडक्टेड बाय, 2021 का जो सेंसस होगा वो कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, CSC, मोबाइल फोन एप्लीकेशन, तथ्य मित्र केंद्र। तो इसका सही आंसर होगा मोबाइल फोन एप्लीकेशन। और इस बार इस सेंसस में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सेंसस विल कलेक्ट डेटा ऑफ ट्रांसजेंडर हेडेड हाउसेस एंड द फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंसस विल इंक्वायर अबाउट मेन सीरियल। ओके, ये टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी याद रखना है, कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी नई दो क्वेश्चनरीज इस बार एनलिस्ट किया गया है, और वो है ट्रांसजेंडर की बात और मेन सीरियल की बात। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इंडिया चेंज इट्स नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम टू, ऑप्शन ए एराडिकेट TB विद इन ए ईयर प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल TB सस्पेंशन प्रोग्राम, टेक्नोलॉजिकली TB इराडिकेशन प्रोग्राम। तो इंडिया नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम को किस नाम पे चेंज किया है, मतलब टाइटल किस नाम पर चेंज हो गया है, और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। TB और ट्यूबरक्यूलोसिस ये एक बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शस डिजीज है, और ये ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और ये लंग पर अटैक करता है। और अभी इंडियन साइंटिस्ट ने एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाया है जिसका नाम है ट्रूनेट MTB टेक्नोलॉजी। इससे बहुत जल्दी से एक घंटे के अंदर जो TB अफेक्टेड पेशेंट्स होगा उसे डिटेक्ट किया जाएगा, और WHO ने इस पर एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया है इंडिया को कि ट्रूनेट MTB के द्वारा टेस्ट करके कोई पेशेंट को इलाज भी किया जाएगा। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संभव SMBHAV ए मेगा समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, संभव नाम के एक मेगा समिट किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी स्नैपडील, ऑप्शन डी OLX। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजन। ऑप्शंस के दिए गए सारे के सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, और अमेजन ये अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है जिसका CEO है जेफ बेजोस, जिसने 1994 में ये अमेजन कंपनी इस्टेब्लिश की थी, और ये इंडिया में अच्छे से ऑपरेट भी कर रहा है। तो ठीक है, और इसी के साथ साथ ये अमेजन कंपनी ने हाल ही में $1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है, और ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को टारगेट करके ये इन्वेस्टमेंट का फैसला लिया गया है। और ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद अमेजन का एक्सपेक्टेशन है कि दे विल बी एबल टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब फॉर द इंडियंस। ओके, तो चलते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल गेट S-400 डिफेंस मिसाइल फ्रॉम व्हिच कंट्री, S-400 डिफेंस मिसाइल कौन सी देश से इंडिया में ला जाएगा, ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी, डी रशिया, और सही आंसर होगा रशिया। अब सबको पता है कि रशिया की पूरी के पूरी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले रिजाइन दिया था प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के विरोध में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे जिसके ऊपर उस गवर्नमेंट का कोई सहमत नहीं थी, और उस गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था मिखाई मिसुस्तिन। और ये जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल है ये बस रशिया, बेलारूस और चाइना के पास है, और इस बार भारत के हाथ में भी ये आने वाला है 2025 के अंदर। और इसके एडवांस्ड और एक मिसाइल है S-500, वो अब तक बस रशिया के पास में ही है, और इसके बाद चीन के साथ ऐसा डील हुआ है कि चीन भी S-500 रशिया से परचेस कर पाएगा। ठीक है, और एक फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीट होगा रशिया, इंडिया और चाइना के बीच,
वो होगा मार्च 2020 में। ओके तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनआईसी मेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी इनॉग्रेटेड इन, मतलब एनआईसी द्वारा बनाया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पर इनॉग्रेट होगा। ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी चादीपुर, डी मैसूर। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंगलुरु। ये इनॉग्रेशन प्रोग्राम मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इनॉग्रेट होगा। और श्री रविशंकर प्रसाद जी इसके साथ साथ लॉ एंड जस्टिस के भी मिनिस्टर है। और रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब लोकसभा से रिप्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में। और ये एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये दिस इज द प्रीमियर टेक्नोलॉजी एडवाइजर एंड ये 1976 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। ओके तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द आउटब्रेक ऑफ व्हिच न्यू स्ट्रेन वायरस अलर्टेड इंटरनेशनल टर्मिनल्स ऑफ मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। कौन सी वायरस की आउटब्रेक होने के बाद मुंबई, दिल्ली और कोलकाता आंतर्जातिक टर्मिनल में अलर्ट किया गया है। ऑप्शन ए H1N1, ऑप्शन बी कोरोना वायरस, ऑप्शन सी इबोला, ऑप्शन डी मैटकाओ। और इसका सही आंसर है कोरोना वायरस। हाल ही में एक न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस के द्वारा चाइना में दो लोगों की मौत हुई है। और रिपोर्ट के अनुसार देर हैज बीन 41 इन्फेक्टेड पर्सन बाई कोरोना वायरस। और इसके साथ साथ जापान और थाईलैंड में भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स रिपोर्ट किया गया है। इसलिए जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स चीन से आ रहे हैं वो ये कोलकाता, मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनर द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है। WHO और हु के एडवाइस के अनुसार ये प्रिकॉशंस इंडिया पहले से ही ले रही है, जैसे कोरोना वायरस की ठीक से कॉम्बैट किया जाए। तो अभी थाईलैंड का PM है, तो अभी थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर है प्रायत चैन ओ चा, जापान का प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे और चाइना का प्राइम मिनिस्टर है ली के कियांग। ओके तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद सरस्वती सम्मान अवार्ड। हाल ही में किसको सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए बैजदेव मोही, ऑप्शन बी विक्रम शेठ, ऑप्शन सी पद्दा सचदेव, ऑप्शन डी महाबलेश्वर सैल। और इसका सही आंसर होगा बासदेव मोही। ये सरस्वती सम्मान अवार्ड लिटरेचर में एक्सलेंस के लिए दिया जाता है और ये हर साल के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस प्राइज में 15 लाख कैश, एक साइटेशन और एक प्लैक भी रहता है। मोही सिंध लैंग्वेज का राइटर है और उनका शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन चेकबुक के लिए उसको सरस्वती सम्मान से इस बार सम्मानित किया गया है। ठीक है तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के नया डायरेक्टर कौन है। ऑप्शन ए युवराज मलिक, ऑप्शन बी पंकज तलपुरे, ऑप्शन सी कुलदीप मभलकर, ऑप्शन डी जगदीश पाठक। और इसका सही आंसर है युवराज मलिक। ओके और ये पहले नेशनल बुक ट्रस्ट का जो डायरेक्टर थी वो थी रीता चौधरी। और ये युवराज मलिक वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और उन्हें डेपुटेशन में नेशनल बुक ट्रस्ट का डायरेक्टर बनाया गया है। तो ठीक है तो ये था आज का टॉप 11 क्वेश्चंस। और अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको इफेक्टिव लगता है तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन PDF में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करके रखिएगा अगली वीडियो को तुरंत पाने के लिए। ठीक है तो फिर कल मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।